जय हिंद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स है ये है जेबीएल के इंडोरेंस स्प्रिंट ब्लूटूथ हेडफोन। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इसकी कुछ कमियों की, कुछ खूबियों की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसके कुछ अच्छाइयों से। क्या है इसमें अच्छा? सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें ये है IPX7 वाटर प्रूफ। IPX7 की इसको रेटिंग मिली हुई है जिससे ये वाटर प्रूफ बन जाता है। नंबर दो है इसका लुक। लुक बहुत अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी है, ये एयर पे ऐसे बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। नंबर तीन है नई तरह के इसमें टेक्नोलॉजी दी हुई है, टच कंट्रोल। इसमें सारा ये टच कंट्रोल है जिससे आप इसको प्रेस करके रखोगे तो ये प्रेस नहीं करना है, इसको बस टच करना है। टच करके इसको रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसको ऐसे करो, स्लाइड करोगे ऊपर करो तो ये वॉल्यूम अप करेगा, ऐसे नीचे को स्लाइड करोगे तो ये वॉल्यूम डाउन करेगा। इसको एक बार टच करोगे तो सॉन्ग पॉज होगा, दो बार टच करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाएंगे, तीन बार टच करेंगे तो पिछले ट्रैक पे चले जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी इसकी ये बात है। सॉरी मैंने लेफ्ट पे कर रहा था, मैं वो सारे ये राइट पे हैं। तो अब चौथे नंबर पे आता है बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं कह सकते हम, अच्छी है। और नेक्स्ट इसका बैटरी बैकअप, तो कंपनी क्लेम करती है 8 आवर का बैटरी बैकअप। मैंने इसको 2 दिन यूज़ किया है, तो मैंने इतना ज़्यादा तो इसको यूज़ नहीं किया, पर जब से आया मैंने चार्ज नहीं किया इसको। एक बार थोड़ी देर के लिए चार्ज लगाया था, तो चार्जिंग से बात आती आगे। तो इसको आप जो है वो 10 मिनट चार्ज करके 1 घंटा यूज़ कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग है ये, यहाँ इसका चार्जर लग जाता है, बैटरी इसके इनबिल्ट है। तो यहाँ से 10 मिनट का चार्ज करके आप 1 घंटा यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये जिम और रनिंग के लिए बने हैं, तो बहुत अच्छा है। अब इसके आते हैं कॉन्स पे। कंफर्टेबल कॉन्स, सबसे बड़ा कॉन्स इसके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे इसके जो ये सिलिकॉन के हुक है, यहाँ पे लाइन बनी हुई है, तो ये लाइन जो है आपके एयर में थोड़ा सा पेन करती है। ये थोड़ा सा मतलब अंदर लगता है कि नहीं यार हमने कुछ भारी सा डाल रखा है, कुछ अजीब सा है, मतलब ये इरिटेट करती है आपके एयर में। इसको आप जो है राइडिंग के दौरान हेलमेट में नहीं डाल सकते, हेलमेट के अंदर पहन नहीं सकते, ये जो है बल्कि हो जाते हैं थोड़े से, हेलमेट के अंदर फिट नहीं होते हैं। और बाकी तो इसमें कुछ मुझे लगाने की कुछ कमी हो, बाकी सब ओके है। अब मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ किसी भी हेडफोन की होती है साउंड। साउंड इसकी जो है वो मिड बहुत हाई है, बहुत तो नहीं मतलब हाई है, और बेस इसकी हाई के मुकाबले थोड़ी सी कम रह जाती है। बेस भी अच्छी है, बहुत अच्छी, JBL बेस के लिए जाना जाता है। बेस इसकी ट्रबल के आगे, मिड के आगे थोड़ी सी कम पड़ जाती है, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है ये सुनने के बाद। तो इसको घंटा डेढ़ घंटा सुनो आप, उसके बाद ये थोड़ा सा इरिटेट कर देता है, तो इसकी थोड़ी सी वो कमी है। बाकी इसका आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है, बहुत अच्छा है JBL साउंड के मामले में। तो साउंड भी इसकी बहुत अच्छी है। अगर मैं रेटिंग करूँगा इसको तो 10 में से करूँगा 8 या 8.5। तो ये था JBL इंडोरेंस स्प्रिंट। अगर आपका कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। अगर आप कुछ और नया देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसके लिए वीडियो बना के डालूँगा। धन्यवाद।